बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। हम लोग आज अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 8 है और ऑलरेडी 8.2 एक्सरसाइज चल रही है और आज हमारा डे 12 है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है कि आपको बेटा, हम लोग आइडेंटिटीज जब हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था तो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद की थी कि साइन 10 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। अब क्वेश्चन ये आया है कि आपको इसको शो करना है कि टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी हम लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो 10/30 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, वी नो वेरी वेल। तो यहाँ पर हमें वही चीज आपको फाइंड आउट करके देनी है कि जो 10/30 है वो क्या है, 1/√3 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पर आपके लिए शुरू करने के लिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। ABC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो बी है वो 60 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल ए भी क्या होगा, 60 होगा। लेकिन एंगल ए को क्या है, एंगल डी बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब है कि जो एंगल ये वाला है ये 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है, 30 डिग्री है। और दोनों को मिला दे अगर तो बात करेंगे तो एंगल जो प्रॉपर ए है, जो दोनों का टोटल है, वो क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में जब एंगल जो तीनों इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती है, तो यहाँ पर मैंने लेट किया हुआ है कि जो AB की जो लेंथ है वो 2A है, AC जो है वो भी 2A है और BC जो है वो भी 2A है। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया कि जस्ट हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है जिसमें तीनों साइड है उसकी 60 60 60 है और A एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है एक परपेंडिकुलर कंदाल के AD से और जिसने उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। तो दोनों एंगल के जो हिस्से हैं एक 30 और दूसरा भी 30 हो गया है और जो साइड्स हैं AB BC और CA वो आपकी क्या है, 2A है। तो यहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो 10/30 की जो डिग्री होता है वो होता है 1/√3 होता है। यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं बेटा कि अगर आप बात करें, मैं बात करती हूँ ट्राइंगल आपकी ट्राइंगल ADB की और ट्राइंगल ADC की, ये हाफ और ये हाफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी प्रूव होती है। कॉन्ग्रेंसी मींस होता है कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंगल ए जो है यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आप देखते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो जाती है। एज पर द कॉन्ग्रेंसी प्रूव के यहाँ पर जो BD है बेटा, जो BD है वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि BD जो है वो DC के बराबर है, क्योंकि जो पॉइंट D है वो इंटरसेक्ट करता है, मिड पॉइंट है वो BC का। तो जितना ही BD होगा उतना ही DC होगा, ठीक है। और दोनों कितने होंगे, यहाँ पर आपको 2A/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका A होगा, मतलब जो BD है और जो DC है वो आपका किसके बराबर है, A के बराबर है। तो यहाँ पर हमें ये 2A है और ये हमारा क्या है, A है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं फाइंड आउट करने के लिए। मैं लेती हूँ ट्राइंगल ADB, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है ट्राइंगल ADB। ADB में जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर। आप देख रहे हैं कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए, इस साइड की लेंथ चाहिए, तो मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा AD² + BD² = AB² जिसे हम बोलते हैं perpendicular² + base² = hypotenuse². तो यहाँ पर AD की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो AD तो आपका AD ही रह गया। यहाँ पर BD जो आपका बेटा है वो है आपका A है, तो A² हो गया और जो AB है वो आपका 2A है।
तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी की जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट 3a। क्लियर है आपका अंडर रूट 3a। यहां पर अब बात करते हैं, अब हमें ये वाला भी पता चल गया है कि जो AD है वो आपका क्या है अंडर रूट 3A के बराबर है। यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है tan 30 की बेटा, यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है tan 30 डिग्री की। और आप देख रहे हो जब tan की बात करते हैं तो जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमें पहले ही पता था कि अगर tan की वैल्यू निकालते हैं तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन में बेस की लेंथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा पी बाय बी हो जाएगा। अब एंगल 30 देखिए, एंगल 30 कहां पर बन रहा है, एंगल 30 यहां पर, ये जो है आपका ये एंगल 30 है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हाफ ऑफ एंगल की ए की बात करते हैं तो क्या होगा, ट्राइंगल क्या करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। अब इसको आपको ऐसे नहीं ऐसे देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि ये एंगल 30 है, ये ए है बेटा, ये बी है और ये आपका डी है, ठीक है, ये आपका डी है। तो यहां पर ये आपका ए है, ये आपका 2a है और ये आपका अभी मैंने आपका निकाला था यहां पर अंडर रूट 3a है। क्लियर है आपको, क्या किया हमने, थोड़ा सा उसको रोटेट कर दिया। एक्चुअली ये सॉरी, ये आपका अंडर रूट 3a है और ये आपका 2a है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर ही क्या हुआ है, मूव हुआ है। तो यहां पर आपका हो जाता है, ये आपका है बी, ये आपका है डी और ये आपका है ए। क्लियर है, इसको जरा सा मैंने टिल्ट करके ऐसे खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर tan 30 की वैल्यू अगर बात करते हैं तो यहां पर 30 कौन है, एंगल ए है। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए है आपका परपेंडिकुलर, क्या होता है बीडी आपका परपेंडिकुलर है इसमें, ठीक है, बीडी आपका परपेंडिकुलर है। तो उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए है और जो डी बेस है वो क्या है, डी ए है, उसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 3a है। तो a से a कैंसिल हो जाता है, 1 बाय अंडर रूट 3 जो है वो आपकी वैल्यू निकलती है tan 30 की, जिसे हम डायरेक्टली याद रखते हैं कि tan 30 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। जो आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना था कि tan 30 को एक ट्राइंगल लेके प्रूफ करके दिखाइए कि जो tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 होती है। ऐसे ही आप साइन कॉस या tan की किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि कैसे निकालना है, कौन सा आपको पहले पोर्शन लेना है, दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है और उसके बाद आपको पाइथागोरस लगा के तीनों साइड की वैल्यू निकाल के और जो भी एंगल आपको पूछा गया है उसमें पुट कर देना है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी एक्सरसाइज का 27 लेते हैं। साइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 गिवन है आपका, और एक तरफ आपका गिवन है cos 2x माइनस 3y इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। और यहां पर आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसमें जरा सा चेंज आया है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे बेटा। यहाँ पर पहले मैं ये वाली इक्वेशन लेती हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि साइन 2x प्लस 3y जो है वो मेरा 1 के बराबर है। और आपको पता है कि अगर साइन की टेबल में 1 की बात किया जाए तो साइन जो 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ साइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। क्लियर है,
तो ये हो जाएगा 2x plus 3y is equal to 90, क्योंकि साइन से साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर ये हमारी क्या हुआ, पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है cos 2x minus 3y is equal to under root 3/2। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर उसकी वैल्यू रूट 3/2 आती है। तो रूट 3/2 की अगर बात करते हैं तो cos 30 ऐसी जगह है जहां पर उसकी वैल्यू क्या है, रूट 3/2 आती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 के बराबर हो जाएगा। तो cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x minus 3y is equal to क्या हुआ, 30 आ गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, अब बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2, अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे x और y फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर 2x plus 3y is equal to 90, 2x minus 3y is equal to 30। तो यहाँ से आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है साइन, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाता है 4x और ये हो गया आपका 120। तो x is equal to 120 divided by 4 is equal to 30 degree। तो x की वैल्यू सबसे पहले आपकी x की वैल्यू निकलती है आपकी 30 डिग्री, और अगर x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो यहाँ पर 2 बेटा 2 इंटू 30 प्लस 3y इज इक्वल टू आपका हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ 3y इज इक्वल टू 90 माइनस 60, y इज इक्वल टू 30 अपॉन में 3, तो यह आपका हो गया 10 डिग्री। तो यहाँ पर आपका पहला इक्वेशन x की वैल्यू आती है 30 डिग्री और y की वैल्यू आती है 10 डिग्री, जो आपको यहाँ पर पूछा गया था कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होपफुली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। बच्चों प्लीज, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अपने कोई भी सीबीएसई का कोई भी एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। बिलीव मी, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बच्चे समझते हैं वो सबसे ईजी बन जाएगा। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, और बहुत ही जल्द मैं और भी चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, वो भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 28 है और इसके क्वेश्चन 4 marks का है, क्योंकि इसमें आपके क्या है बेटा, आपके पार्ट्स दिए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अगर आता है तो मोस्टली ये क्वेश्चन 4 marks का आना चाहिए। तो इसका रिमांड 4 marks का है, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बस 4 marks का है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि जो 10a + b है आपका, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है साइन a - b जो है आपका वो 1/2 है। a और b एक्यूट एंगल है। यहां पर आपको पहला क्वेश्चन निकालना है cos a cos b plus sin a sin b, ये पहली वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a एंड 10b। क्लियर है होपफुली आपको क्वेश्चन, ओके। तो यहां पर ऑलरेडी नॉट डिफाइंड, यहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम 10 की टेबल याद करते हैं तो 10 90 पे जो होता है, 10 90 डिग्री की वैल्यू जो करते हैं वो नॉट डिफाइंड होती है, जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो यहां पर मैं इसको लिख सकती हूं कि 10a + b इज इक्वल टू 10 90 डिग्री हो गया बेटा। तो यहां पर a प्लस बी जो मेरा पहला इक्वेशन निकली है वो निकली है 90 डिग्री। उसके बाद a माइनस बी की बात करते हैं तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन की टेबल में साइन 30 की बात करते हैं बेटा, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, इसलिए मैंने 1/2 के बदले क्या पुट किया है, साइन 30 पुट किया है। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री हो जाता है। यहां से आपको दो इक्वेशन मिलती है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द a एंड b।
तो यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारी पहली इक्वेशन है, और उसके बाद a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है। यहां पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जो b की वैल्यू है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। यहां पर आपका हो जाएगा 2a और प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर होता है 120। तो a की वैल्यू आती है 120 बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपका a की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, तो यहां पर होता है 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b आपका क्या हो गया बेटा, 30 डिग्री आपका b आ जाता है। तो यहां पर आपको b और a दोनों की वैल्यू पता चल गई है, a आपका 60 डिग्री है और b आपका 30 डिग्री है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर आप फर्स्टली आपको दिया हुआ है कि cos a cos b sin a sin b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, cos a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 60 डिग्री है, और cos b की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, प्लस sin जो आपका 60 डिग्री है और sin आपका 30 डिग्री है, यही है आपका, ठीक है, यही चीज, यही गिवन किया हुआ है। अब आपको पता है कि जो cos 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 इसकी वैल्यू होती है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है। सेम लाइक दिस, sin 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर आपका हो जाता है रूट 3/4 प्लस रूट 3/4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 3/4। तो यहां पर आपकी वैल्यू पहली आती है अंडर रूट 3/2, ये आपकी वैल्यू आ जाती है फर्स्ट क्वेश्चन की। आप फर्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट 3/2 आपकी वैल्यू आती है। यहां से इसको मिटा देते हैं आगे करने के लिए। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की, उसके बाद हम दूसरा चलते हैं। उसके बाद है बेटा 10a माइनस 10a, हमारे पास क्या था, 60 डिग्री है, और 10b हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है। तो और नीचे आपके पास आ जाता है 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, यही आपके पास है, ये आपका इसका b पार्ट है, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू आपको सबको पता है कि 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है, और आपके पास 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो उसकी जगह पे पुट कर देंगे, यहां पर 1 माइनस अगेन √3 है, और यहां पर 1/√3 हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर आपका एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां पर हो जाता है 3 माइनस 1/√3 है, लेकिन नीचे क्या हो गया, 1 माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या हुआ आपका, 2/√3 डिवाइडेड बाय 0 हो गया, जो आपका नॉट डिफाइंड में चला गया आंसर। तो यहां पर आपका आंसर किस में चला गया है, नॉट डिफाइंड में चला गया है आपका आंसर। आई थिंक 1 माइनस, ओके, नो, एक्चुअली यहां पर बेटा ये आपका हमने गलत लिख लिया है, ये प्लस में है, प्लस में और प्लस में। अगर ये प्लस में है तो देन आपका आंसर यहाँ पर 2 आता है, तो 2/√3 हो गया है आपका, और यहां पर आपका 1/2 हो गया है, तो आपका आंसर आता है 1/√3। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपका नीचे माइनस करके नॉट डिफाइंड आता, लेकिन यहाँ पर +1 +1 है, यहाँ पर 1 + 10a 10b है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप ध्यान से देखते रहिए, जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।